तो अब देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस पर बेस एक एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया भी था. आज मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ. प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आपको बोला है विद इन लिमिट्स ए एंड बी, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, विच कैन बी रिटन एज विद इन लिमिट्स ए एंड बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स. ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे. और अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे. अब यहाँ पे पाई बाय थ्री एंड पाई बाय सिक्स, इसको मैं ऐड करके देखता हूँ मुझे कितना मिल रहा है. पाई बाय थ्री एंड पाई बाय सिक्स, लेट अस सपोज हम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा सिक्स. हमारे पास थ्री टू ज़ा सिक्स, तो ये हो जाएगा टू पाई, एंड सिक्स वन ज़ा सिक्स, तो ये हो जाएगा पाई, एंड दैट वुड बी थ्री पाई बाय सिक्स, एंड दैट इज़ पाई बाय टू. ठीक है ना, तो ये पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री मिल रहा है. और देखिए 90 पे क्या होता है, 90 इज मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज इसमें आते हैं ना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा इज टैन, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हमने देखा. अब वो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे कैसे, वो हम समझते हैं. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट कॉट ऑफ पाई बाय थ्री एंड पाई बाय सिक्स विच इज पाई बाय टू, तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी पाई बाय टू माइनस एक्स लिखता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा टेन एक्स. ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ टेन एक्स, ये लिखूंगा, इसको मैंने आई डाला, इसको मैंने आई डाला, कुछ बात बन नहीं रही है यहाँ पे. ठीक है ना, क्योंकि ये कॉट और टेन कोई तालमेल नहीं हो रहा है ना. जैसे प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें डिनोमिनेटर क्या हुआ था, सेम हो गया था, तो अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा. तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए इस कॉट को हम सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं. ठीक है ना, जब ये ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन मिले, एक मतलब एक दो चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन. नाउ सिंप्लीफिकेशन मतलब जैसे कि मैंने हमेशा से बताया है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में मतलब मैं हर रेशियो को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आऊं. तो इस कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट को हमने लिख लिया कॉस अपॉन साइन. अब देखिए ये टोटल जो रूट है, इसको अगर आप दो अलग अलग रूट में मतलब अंडर रूट कॉस अपॉन अंडर रूट साइन ऐसे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. जैसे होल अंडर रूट ए अपॉन बी है, हमें मालूम है इसको हम अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. रूट को अगर हम कॉमन लेके एक सिंगल रूट लिख सकते हैं, तो उसको हम सेपरेट करके अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमें फर्दर मिल जाएगा वन अपॉन, अब देखिए साइन साइन इंटू वन हो जाएगा अंडर रूट साइन, तो यहां पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, डीएक्स तो हमें लिखना ही है. लिमिट्स इसकी थी पाई बाय सिक्स एंड पाई बाय थ्री. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद क्या किया जाए, चलिए देखते हैं. अब मुझे मालूम है वन अपॉन एक फ्रैक्शन है, तो सिंपल सी बात, वन अपॉन कभी भी अगर फ्रैक्शन होता है तो हम हमेशा किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है, यानी कि मैं इसको बी अपॉन ए लिख सकता हूं. तो इसी तरह से वन अपॉन ये फ्रैक्शन है, इसको मैं उल्टा करके यानी कि कॉस ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में, अलग अलग रूट में. ये आ गया लिमिट इसकी पाई बाय सिक्स एंड पाई बाय थ्री एज इट इज रहेंगे. फाइन, अब इसको मैं आई एज्यूम करता हूं. ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू. अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि मुझे मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है. माना जब मैं ये पाई बाय थ्री एंड पाई बाय सिक्स को ऐड करूंगा 90 मिलेगा, और साइन और कॉस नीचे तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, वापस वही का वही रहा, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा है ना.
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाँ कैसे, इज इक्वल टू हम फर्दर लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री, प्रॉपर्टी लगा लेंगे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, यानी कि पाई बाय थ्री और पाई बाय सिक्स प्लस करके उसको एक्स से माइनस करेंगे, और इन दोनों का सम हमने अभी देखा था पाई बाय टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स होल अपॉन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, पाई बाय टू कहां से आया मैं फिर से बता रहा हूं, पाई बाय थ्री और पाई बाय सिक्स का सम पाई बाय टू है। हमने यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगाई, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, माना मैंने इन दोनों को ऐड करके उसको फिर उससे फिर इस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है यहां पे। अब देखिए ये फर्दर क्या बन जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसको वापस हम पाई बाय सिक्स और पाई बाय थ्री लिखेंगे, अब कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ऊपर डी एक्स हम लिखते ही हैं। अब देखिए आई की वैल्यू अगर ये है, ठीक है ना, आई की वैल्यू अगर ये है तो आई की वैल्यू ये भी है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर वन और लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेता हूँ। अब दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में तो मिल जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू, अब देखिए एक तो ये मिलेगा यानी कि विद इन लिमिट्स पाई बाय सिक्स एंड पाई बाय थ्री, यहाँ पे हमारे पास था अंडर रूट ऑफ कॉस एंड नीचे था हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स, रूट के अंदर अलग अलग डी एक्स था ही, प्लस यहाँ पे हमें मिला सेम लिमिट्स यानी कि पाई बाय सिक्स एंड पाई बाय थ्री, ऊपर मिल जाएगा हमें साइन एक्स, ठीक है ऊपर साइन एक्स था और नीचे ये कॉस प्लस साइन को हम साइन प्लस कॉस लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखने वाली बात है कि हमने ये जो ऐड किया दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो आई प्लस आई यानी कि टू आई मिल जाएगा हमें। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, साइन और कॉस, तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होगा यानी कि कॉस और साइन, उसको आप साइन और कॉस लिखो कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2i लेफ्ट साइड में हो गया हमारे पास 2i, इस 2i इज इक्वल टू हम लिखेंगे पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री, ठीक है डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन एंड कॉस आ गया यानी कि रूट ऑफ साइन एक्स एंड रूट ऑफ कॉस एक्स, न्यूमरेटर में देखिए दोनों के बीच में प्लस है साइन और कॉस, तो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसी भी ऑर्डर में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो हम इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेते हैं एडिशन में। ठीक है, एडिशन में आप किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो टू वाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या बचा, विद इन लिमिट्स पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री डी एक्स। ठीक है, तो पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री डी एक्स बस बचा। अब डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रल सिर्फ एक्स हमें मिलेगा, तो इंटीग्रल डी एक्स हमें मिल जाएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं टू आई इज इक्वल टू मेरे पास इंटीग्रल डी एक्स था। ठीक है, तो डी एक्स बन जाएगा एक्स और इसके लिमिट्स हैं पाई बाय सिक्स एंड पाई बाय थ्री, फाइन इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय थ्री अपर लिमिट माइनस पाई बाय सिक्स यानी कि लोअर लिमिट। अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना मिल रहा है, तो हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री यानी कि थ्री, तो पाई बाय सिक्स मिल जाएगा। ठीक है, थर्टी सिक्सटी माइनस थर्टी थर्टी होता है, तो ये पाई बाय सिक्स हमें मिल जाएगा। तो हम टू आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, पूरा करके दिखा देता हूँ, सिक्स थ्री टू जो सिक्स
टू पाई माइनस सिक्स वन जो सिक्स तो ये हो गया पाई, टू माइनस वन इज वन तो हो जाएगा पाई होल अपॉन सिक्स। ये टू आई की हमें वैल्यू मिली है तो इंटीग्रल हमें कितना मिल जाएगा, टू को यहाँ शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा पाई अपॉन, ये टू इधर इंटू होगा टू सिक्स जो ट्वेल्व, तो मुझे ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाय ट्वेल्व, ये हमारा आंसर है। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी उस पर बेस्ड आपको एक एग्जाम्पल और दिया। तो बेसिकली इसमें टेक्निक हमने क्या यूज़ की, ये प्रॉपर्टी हम जब भी यूज़ करते हैं तो इनिशियल क्वेश्चन को हमने क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के उसको i इज इक्वल टू करके सब्सटीट्यूट कर दिया, प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी अप्लाई करके बाद जो मिला वो भी i की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया। प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें भी एग्जैक्टली यही किया था, मतलब i इज इक्वल टू कुछ दिया था, हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की वो भी i की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल जो इंटीग्रल dx मिल गया उसको हमने x करके फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मोस्टली इस क्वेश्चन में ये टेक्निक यूज होती है, आगे चल के और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन आप कीजिए जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में और उस पर बेस्ड आज एक क्वेश्चन भी किया था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, शो दैट प्रूव दैट विद इन लिमिट्स ए एंड बी एफ एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू। ठीक है ना, ये एक एज अ फॉर्मूला हम इस टाइप के हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लाइक जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये आप प्रूव कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको जो है वो है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रीवियस प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना a प्लस बी माइनस एक्स, वहां पे यहाँ पे एक लिमिट थी, यहाँ पे एक लिमिट थी, इस लिमिट को हमने सिर्फ जीरो बना दिया, जो लोअर लिमिट है उसको जीरो बना दिया, तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारे पास a से लेके b एफ एक्स डी एक्स था, इसको हमने क्या लिखा था एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स विद इन द सेम लिमिट। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं इस a को जीरो बना देता हूँ, ठीक है ना, इस a को अगर मैं जीरो बना देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये a जीरो बन जाएगा, ऑब्वियसली ये a भी जीरो बन जाएगा। ठीक, तो वही प्रॉपर्टी आ गई, देखिए इसमें ऊपर b है तो उसमें वहां पे b है, इसमें ऊपर a है तो वहां पे a है। तो प्रीवियस जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी हाँ उसी प्रॉपर्टी को आप बोल सकते हो मॉडिफाई किया हुआ है ना, इसको इस तरीके से हमने समझ लिया। बाकी इसका एक प्रूफ भी है, अगर आप प्रूफ समझना ही चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं फोर नंबर्स के, और तरीका वही रहेगा कि हम यहां पे लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू लेट से a माइनस टी। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू मैं a माइनस टी अज्यूम करता हूं तो सबसे पहले तो dx हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक dx हो जाएगा माइनस डी टी, एंड व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि x की लोअर लिमिट जीरो है तो x को जब मैं जीरो पुट करूंगा तो देखिए जीरो इज इक्वल टू ए माइनस टी, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू ए को यहाँ शिफ्ट करो या टी को यहाँ शिफ्ट करो, टी इज इक्वल टू ए बन जाएगा। इसी तरह से जब x इक्वल्स टू मैं a पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू है ना x इक्वल्स टू ए टी है तो a इज इक्वल टू ए माइनस टी हो जाएगा, यानी कि a इधर शिफ्ट कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू टी या फिर टी इज इक्वल टू जीरो। तो जब x जीरो है तो t a है, और जब x a है तो t जीरो है, ये हमने इसके लिमिट्स फाइंड कर लिया, और dx और dt में रिलेशन क्या है, dx इज माइनस dt। तो हम इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल अब जीरो की जगह मैं क्या लिखूंगा, t के लिमिट a लिखूंगा, और a की जगह मैं क्या लिमिट लिखूंगा, a की जगह हाँ जब x a है तो t कितना है, जीरो है, जीरो लिखूंगा। अच्छा dx क्या बन गया, माइनस dt, तो मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूं और dt लिख लेता हूं, और f मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, x की जगह मुझे क्या लिखना है, a माइनस t। ठीक, मैं यहां पे और क्लियरली लिख देता हूं, इंटीग्रल माइनस a से लेके जीरो f ऑफ a माइनस t dt, ये हमें मिला। ठीक है ना, हाँ हमने ये कन्वर्जन कर लिया। अब देखिए ये है a से लेके जीरो माइनस एफ ए माइनस टी डी टी, अब इस माइनस साइन को जब मैं यहां से हटाऊंगा तो
तो कैसे हटाते हैं, देखिए प्रॉपर्टी थी कि ये माइनस साइन को अगर मुझे प्लस साइन बनाना है, ये जो लिमिट है ये इंटरचेंज कर लेती है, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। हाँ, कि अगर मेरे पास ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस लिख दूंगा इंटीग्रल, बस लिमिट चेंज कर दूंगा, ए को बी बना दूंगा, बी को ए बना दूंगा, एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी थी। अगर माइनस साइन हटाना है तो लिमिट को इंटरचेंज कर दो, माइनस साइन लाना है तो भी लिमिट को चेंज कर दो, माना मैं जितनी बार लिमिट चेंज करूंगा उतनी बार माइनस प्लस होते जाएगा। तो यहां पे ये माइनस है, अब इस माइनस साइन को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, लिमिट को इंटरचेंज करूंगा, तो ए की जगह जीरो आ जाएगा और जीरो की जगह ए आ जाएगा, माने ये दोनों लिमिट्स ने अपनी जगह बदल ली, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, मतलब एफ ए माइनस टी और डी टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अच्छा, इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आप कोई भी इंटीग्रल, देखिए डेफिनेट में है ना, कोई भी इंटीग्रल, जैसे ये इंटीग्रल है हमारे पास 0 टू ए एफ ए माइनस टी डी टी, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल टी है, ऑपरेटर टी है, इसको मैं विद इन द सेम लिमिट यानी कि 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, माने मैंने टी वेरिएबल टी ऑपरेटर की जगह एक्स वेरिएबल एक्स ऑपरेटर लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने वो प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक। अब इस एफ एक्स डी एक्स को पहले हमने कैसे लिखा, एफ ए टी डी टी है ना, विद माइनस साइन और विद इन लिमिट ए एन जीरो, उसको फिर फर्दर हमने ऐसे लिखा, इसको फिर फर्दर हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वल होगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ बहुत लोग पूछते हैं क्या ये प्रूफ एग्जाम में पूछा जाएगा, तो देखिए मैंने आज तक ऐसे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कि ये भाई ये फलानी प्रॉपर्टी प्रूफ करो इंटीग्रल की, बोर्ड में नहीं देखा है ना, लेकिन हाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, आपको ये बताया है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। तो अब देखिए मैं आपको इस प्रॉपर्टी पे जो अभी हमने पढ़ा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स विद इन द सेम लिमिट 0 टू ए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये फंक्शन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। यहाँ पे एक कंडीशन और है, वो ये कि ये जो एफ एक्स है ना, ये जो फंक्शन है, दिस हैज टू बी कंटिन्यूस विद इन दिस इंटरवल 0 टू, ये जो लिमिट्स हमें दी हुई है इस लिमिट में ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी जो है ये जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो वैलिड होगा। अब कंटिन्यूटी हम इतना चेक करते नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, उसका रीजन है क्योंकि ऑलरेडी आपको जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस दिया होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस और आएंगे आपको सबका करने का जो तरीका होगा उसमें हल्का हल्का वेरिएशन आएगा, तो कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या वेरिएशन होगा वो हम देखते हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इसकी जो टेक्निक है वो आप ऑलरेडी समझ भी चुके हैं पीछे कई क्वेश्चंस में, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आई अज्यूम करते हैं, ठीक है। आई अज्यूम करके इसको, लेट्स से मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी यूज की कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ एफ ए माइनस एक्स डी एक्स अगर लिमिट 0 टू ए है, ठीक है ना, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यही टेक्निक है हमारी, हाँ, कि पहले i इज इक्वल टू अज्यूम करो, लेकिन i इज इक्वल टू अज्यूम करने से पहले हमें देखना है कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि जैसे कि इसके पीछे हमने, हालांकि वो प्रॉपर्टी दूसरी थी लेकिन उसमें कॉट था, तो हमने क्या किया उसको साइन और कॉस में लेके आए, क्योंकि साइन और कॉस में लाने के बाद ना, देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, लेकिन टैन में कॉट हो रहा था और उसमें बात बन नहीं रही थी, ठीक है। तो इस चीज का ये एक स्टार्टिंग स्टेप मेरा हो सकता है कि मुझे टैन या कॉट मिला और उसको मुझे साइन या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, नॉट ऑलवेज बट हाँ कई बार पड़ सकता है। उसके बाद हम यही टेक्निक यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू दिस, देन आई मस्ट बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी 0 टू पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा, एंड नीचे भी आ जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है। ये टेक्निक हमने देखी। अब इसके बाद क्या बन जाता था, आई हमारा बन जाता था इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, लिमिट हमारा एज इट इज रहता, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस, एंड ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन, मैंने इनके रिलेटिव ऑर्डर चेंज कर दिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ताकि इसका डिनोमिनेटर आपको देखने में सेम मिलना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो,
क्योंकि देखिए प्लस है तो हम किसी भी ऑर्डर में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आई की वैल्यू ये भी है, आई की वैल्यू ये भी है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू डाला। तो यही हमारी टेक्निक होती थी, स्टेप वन मैंने इसको कुछ सब्सटीट्यूट कर लिया, आई इज इक्वल टू उसको जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई जो भी मिला उसको इक्वेशन नंबर टू डाल दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे टू आई मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है तो हम लिख लेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स, न्यूमरेटर में हमें वापस वही क्योंकि यहां साइन है और यहां कॉस है, न्यूमरेटर में भी हमें वही मिलेगा, dx तो है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 हमारी लिमिट है, ठीक है। तो हमें एंड ऑफ द डे वो क्या मिल रहा था, कैंसिल हो गया तो इंटीग्रल ऑफ सिर्फ dx मिल रहा था और लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2 है और ये वैल्यू किसकी है, 2i की है, ठीक है ना, 2i की वैल्यू ये है ना, सिर्फ dx, तो dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें यही टेक्निक यूज होती है, हाँ, कि हमने i इज इक्वल टू डाला, फिर उसको प्रॉपर्टी लगा के फिर i की दूसरी वैल्यू मिली, दोनों को ऐड किया, 2i इज इक्वल टू खाली इंटीग्रल dx मिल जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रल dx क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, लिमिट इसकी क्या है, 0 टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाय 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह हम पाई बाय 2 डालेंगे फिर माइनस 0 डालेंगे, पाई बाय 2 बन जाएगा, 2 को शिफ्ट कर देंगे तो पाई बाय 2 इंटू 2 यानी कि पाई बाय 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन करने की टेक्निक थी, है ना। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं, i इज इक्वल टू हमने सब्सटीट्यूट किया, प्रॉपर्टी लगाई, i की वैल्यू मिली, दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया। और हमेशा जैसे कि पीछे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है होमवर्क में, वो हम यूज कर सकते हैं कि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, उसको अपॉन 2 करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था। सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आगे हम देखते हैं और इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, क्या वेरिएशन आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूं आप एज अ होमवर्क इसको कीजिए, और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा ये हालांकि बेसिक क्वेश्चन है जो आपको टेक्निक बताई है कि i इज इक्वल टू समथिंग देन अगेन i इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाने के बाद या प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड करना है, आप उसी मेथड से कीजिए। हालांकि आपको एक ये भी बताया था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हाफ कर दो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सब जगह वो अप्लाई नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसीलिए जो है सारे क्वेश्चन आप ईमानदारी से जैसे प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन अभी तक आपने इतने सारे प्रॉपर्टी के प्रूफ देखे हैं तो उसी टेक्निक को यूज करके आप जैसे आज वाली जो प्रॉपर्टी बताई और जो प्रीवियस क्लास में जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें जो प्रूफ करने का हमने तरीका यूज किया है वो तरीका यूज करके आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। इसको आप बहुत ठंडे दिमाग से प्रॉपर प्रोसीजर से सॉल्व कीजिए रादर देन डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें। इसमें सिर्फ एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज होनी है, लाइक लॉग m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है ना, लॉग m इंटू एन, ठीक है, जो है वो लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग m n इज लॉग m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होनी है, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे पहले तो अपना इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर जब दोनों को हम ऐड करने वाला जो स्टेप आता है वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब उसको मर्ज करेंगे तो आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी और लगानी, वो है लॉग वन जो है जीरो होता है, ठीक है, इतना हिंट दे दिया। तो ये यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बन ही जाएगा। तो इसमें और बाकी टाइप के क्वेश्चन हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।